अब यीशु मसीह ने जितने भी कार्य करे, आपको देखना होगा वे कौन सी भावना में होकर के काम कर रहे थे, वे कौन से इमोशन में होकर के काम कर रहे थे। क्या क्या करते थे यीशु मसीह? दुष्ट आत्मा निकालते थे, और क्या करते थे? चंगाई देते थे। यीशु मसीह चमत्कार करते थे, यीशु मसीह रोगी को क्षमा करके भी ये भी करते थे। उसके बाद वचन सुनाते थे, उसके साथ उपदेश देते थे अधिकार के साथ। यीशु मसीह ने जब दुष्टात्मा को निकाला, लोग क्या बोलते हैं? इसको है अधिकार कहां से मिला? आज हमने अनोखी बात देखी, तो यीशु मसीह दुष्टात्मा को निकालते थे, अधिकार के साथ निकालते थे। यीशु मसीह जब किसी को चंगाई देते थे, अधिकार के साथ देते थे। यीशु मसीह जब वचन सुनाते थे, अधिकार के साथ सुनाते थे। तो लोग बोलते थे, इसको ये ज्ञान कहां से मिला? क्योंकि लिखा है वो शास्त्रियों के समान उपदेश नहीं देता था, पर अधिकारियों के समान देता था। कभी बाइबल में पढ़ना इस बात को। यीशु मसीह का उपदेश जो था, वो शास्त्री फरीसियों की तरह गोलमोल नहीं था, वो अधिकार के साथ होता था। और साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स भी जो करते थे, वो अधिकार के साथ करते थे। नाव में बैठे हुए थे चेले और यीशु सो रहे थे। चेले आके जगाते, प्रभु प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, तो पहले जाकर के देखते, अच्छा तूफान है, फिर कहते हैं शांत हो जा, फिर चेलों की तरफ पलटे, तुम्हारा विश्वास कहां था? चेलों के मुंह बंद, लेकिन मुंह खुलते ही एक बात निकली, ये कौन है जो आंधी और पानी भी इसकी बात को मानते हैं? हर एक चीज अधिकार के साथ काम में आती है। आप जानते हैं, एक लकवे का व्यक्ति जिसको चार लोग खाट पे उठा के लाए थे, छत फाड़ दी उनने, भीड़ के कारण आ नहीं पाए, तो छत काट करके नीचे उतार दिया। यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। अब इधर शास्त्री फरीसी व्यवस्था बोलते, ये परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु मसीह ने मन की बात को जान के कहा, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हर एक काम जो यीशु मसीह ने कहा, वो अधिकार के साथ था, चाहे वो लाजर का जिलाया जाना ही हो। चार दिन का मरा हुआ लाजर, उसकी खुद की बहन बोल रही थी, प्रभु पत्थर हटाने का बोल दिया है, लेकिन बदबू आती होगी उधर से। यीशु ने कहा, तू अगर विश्वास करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। पत्थर हटाया और स्वर्ग की ओर प्रार्थना करी, हे पिता, मैं जानता हूं कि तू मेरी सुनता है, लेकिन ये है ना जो आसपास खड़े हुए ना, इनके कारण मैं कह रहा हूं। और वहां गिड़गिड़ा करके काम नहीं चला। वहां यीशु ने क्या कहा? हे लाजर, निकल आ, बाहर आ जा। जो कपड़े में बंधा हुआ था, वो बाहर आया। अब लाजर को भी चार लोग अंदर छोड़ने गए थे, पर आया खुद ही बाहर। वो लकवे का रोगी भी चार लोग लेके आए थे, लेकिन गया। यीशु मसीह जो भी करते हैं, वो अधिकार के साथ करते हैं। चाहे रोगी को चंगा करना हो, तेरे पाप क्षमा हुए, चंगाई अधिकार के साथ देते हैं। दुष्ट आत्मा अधिकार के साथ निकालते हैं। सामर्थ्य वचन अधिकार के साथ दे प्रचार करते, चेलों को डांटते, अधिकार के साथ डांटते, साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स अधिकार के साथ करते। आज परमेश्वर का वचन जानता है आपको क्या सिखाता है। आपके पास भी अधिकार है, लेकिन आप उन अधिकारों को काम में लाते नहीं है। नहीं तो इतने सारे भूत जो नाचते रहते हैं ना,
वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आप जो इतनी सारी समस्या में, बीमारियों में, कर्जेस के अंदर में है, ये आप पे काम ही नहीं करेगी। अधिकार आपको मांगना पड़ेगा परमेश्वर से। और जानते यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा? यीशु ने चेलों को आखिरी में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। स्वर्ग का भी अधिकार है और पृथ्वी का भी अधिकार है। और आप आज हमें पता नहीं है कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना है। आज जब हम प्रार्थना करते हैं, इंसान शैतान के सामने भी रो रहा है और प्रभु के सामने भी रो रहा है। या तो वो शैतान के सामने भी चिल्ला रहा है और प्रभु के सामने भी चिल्ला रहा है। तो आपको समझना होगा, एक घर में तीन पीढ़ी के लोग रहते हैं। दादा, उनसे छोटा उनका बेटा और वो दादा का पोता। अब जो बीच की पीढ़ी है, यानी कि वो पिताजी भी है, वो बेटा भी और पिताजी भी है, वो जब उसके पिताजी से बात करेगा, बड़े आदर मान सम्मान से बात करेगा, वो उनको डांट नहीं सकता, उनको काम नहीं बता सकता, आज्ञाकारिता में रहेगा। लेकिन जब उसका बेटा होगा, वो डांटेगा भी, मारेगा भी। आपको समझना पड़ेगा कि जब आप परमेश्वर के चरणों में हैं, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आप परमेश्वर के चरणों में आए, इस तरीके से अधिकार आपके जीवन में कार्य करेगा। और जब आप शैतान के सामने हो, वो आपका कोई भाई बंधु नहीं है, वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, स्वयं वो यीशु की परीक्षा करने के लिए आया, तो हम उसके कोई रिश्तेदार नहीं है। आप रोएंगे, स्वर्गदूत आएंगे, लेकिन याकूब की किताब में लिखा हुआ है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आपको उसको सामना करना होगा, वो भी अधिकार के साथ। जानते क्यों? क्योंकि लूका 10 के 19 में एक वचन लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार। ऐसा नहीं, कुछ कुछ, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। हानि नहीं मतलब नहीं, आप कुछ भी करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप कितना सबमिशन में चल रहे हैं परमेश्वर के। आप जितना परमेश्वर के सबमिशन में रहेंगे, परमेश्वर की जितनी अधीनता में रहेंगे, वो स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर की अधीनता की बात कर रहा हूं मैं। आप जितना परमेश्वर के सबमिशन में रहेंगे, ये अधिकार आप उतने ज्यादा यूज कर पाएंगे। अन्यथा रोने वाला काम लोगों के जीवन में आता है। और फिलिपियों की किताब में लिखा हुआ है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। और यह अधिकार आपके कह देने भर से नहीं हो जाता, आपको समझना होगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले यीशु के जो चेले आए थे, प्रभु प्रभु हाँ तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, ये आकर के खड़े हुए, और पीछे पिताजी लड़के को लेकर के आ रहे हैं। तेरे चेलों ने बहुत कोशिश करी लेकिन निकाल ना पाए। ये अनॉइंटिंग का मामला है। तो आपके कहते ने भर से अधिकार या हक नहीं हो जाता। जीवन में दो चीजें होती है, इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, एक तो एडवाइज होता है और एक सजेशन होता है। सुना होगा ये वर्ड, सजेशन और एडवाइस। जब मैं स्टडी कर रहा था लैंग्वेजेस के बारे में, मैंने
जो मेरी तैयारी का विषय था, ये आपके लिए बहुत छोटा विषय हो सकता है कि सजेशन और एडवाइस दो सेमी तो वर्ड है, क्या अंतर है? एडवाइस जो होती ना वो हमेशा आपसे उम्र में छोटे को ही देंगे आप, वो अधिकार के साथ एडवाइस होगी। बड़े को एडवाइस वाला वर्ड आप बोल भी नहीं सकते, ये हाई लेवल की लैंग्वेज वाली बात है। लेकिन आप जहां सजेशन की बात है, आपसे ऊंचे व्यक्ति को आप सजेशन वाला वर्ड यूज करेंगे, वहां एडवाइस वाला नहीं होगा। इसलिए किसी बड़े व्यक्ति के पास जाके मत बोल देना हम आपको एडवाइस देते हैं, उसने छोड़ दिया तो हो गया। लेकिन जहां लैंग्वेजेस का मामला होता है, जहां दूतावास का मामला है, कोई इसराइल का इधर आके बैठा हुआ है, उसके एम्बेसडर को जाके बोलना हम आपको एडवाइस देते हैं, तो भी सोचेगा अच्छा, फिर उसको बोलना सजेशन देते हैं। दैट्स मीन कि यीशु के चरणों में दीनता नम्रता आंसू के साथ आंख बंद करके आपको जाना है। लेकिन शैतान की युक्तियों के सामने आपको अधिकार के साथ खड़े रहना है, और ये अधिकार तभी मिलेगा आप जितना टाइम घुटनों पे बिताएंगे उतना टाइम आप खड़े रह करके अधिकार को यूज कर पाएंगे। यीशु ने अधिकार दिया, यीशु के पास अधिकार है, यीशु का चरित्र बताता है अधिकार। लेकिन आप उसको उपयोग में तभी ला पाएंगे जब इस वचन को फॉलो करेंगे, परमेश्वर की अधीन हो जाओ। जब अधीन होगे तो सामना कर पाओगे, अधीनता में नहीं तो ये तो फिर ऐसा मामला हो जाएगा आप तलवार लेके खड़े और सामने वाला बंदूक ताने खड़ा है। एक व्यक्ति 10 फीट दूर है, चलिए 50 फीट दूर है, आपके हाथ में तलवार है, सामने वाले के हाथ में बंदूक है, क्या लगता है 1 2 3 कहते कौन जीतेगा? हैं? क्यों? क्योंकि उसको इधर आना ही नहीं पड़ा, ये तलवार निकालेगा खचिक करके फिर दौड़ के जाएगा। इतने में तो ले भाई, आत्मिक युद्ध के हथियार के लिए सबमिट करना होगा परमेश्वर को लाइफ। जितना सबमिशन में रहोगे उतना अधिकार आपके जीवन में कार्य करेगा, हर एक कार्य क्षेत्र में। और सबमिट का मतलब परमेश्वर को सबमिशन, किसी व्यक्ति को सबमिशन दे करके बढ़ना चाहोगे तो शैतान उसी को ही बातों का बतंगड़ बना लेगा। इसलिए परमेश्वर की अधीनता सबसे बड़ी अधीनता है।